धर्मशाला बाजार के भरत मिलाप चौराहा स्थित हनुमान मंदिर के समीप जूनियर डीपीएस प्लेवे का सोमवार को महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस प्लेवे में नन्हे मुन्ने बच्चों के पढ़ाई के साथ खेलकूद की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। स्कूल में बाल रूम, ऑडियो विजुअल रूम, डॉल्स रूम सहित छोटे बच्चों की सुविधा का हर संभव प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए स्कूल की डायरेक्टर अर्चना पांडे ने बताया। क्लास है, इसमें बच्चे जैसे डांस, म्यूजिक और प्रोजेक्टर से सारी पढ़ाई होगी। इसको ए वी रूम बोलेंगे बच्चों के लिए। इसमें सारे मतलब नए तरीके से बच्चों की पढ़ाई होगी। ये एलकेजी रूम है छोटे बच्चों के लिए, जो नर्सरी से आएंगे उनके लिए। इसमें सारे अल्फाबेट हैं और कलर कलर सब जानेंगे तीन बच्चों का। हंसी आ गई लेकिन बच्चा सर हो गया, चार पांच दिन हो गया। बच्चों का प्ले एरिया है और ये आप देखिए रबर मैट लगाया गया ताकि बच्चों को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सुरक्षित किया जा सके। और दीवारों पे भी ये देखिए ये फोम से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से दीवारों को भी वो किया गया है, क्योंकि बच्चों की जो हाइट होती है उसके हिसाब से सिक्योरिटी का मेन ध्यान रखा गया है। इसमें बच्चों के सेफ्टी का जो है पूरा ध्यान रखा गया है। अर्चना पांडे, यहाँ बच्चे मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो है बच्चों का अच्छा अच्छा एक्टिविटी क्लास है कि बच्चों को थोड़ी अच्छी नॉलेज हो। बॉल रूम है, उसमें कई कलर के बॉल वगैरह रहेंगे कि बच्चों को अच्छा सारे रंगों की जानकारी हो जाए। और प्रोजेक्टर से उनकी पढ़ाई होगी जिससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। और अच्छे मेरे यहाँ ट्रेनर हैं, टीचर हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। हर तरह की सुविधा दी जाएगी बच्चों को। इस क्लास में बच्चों को ये नर्सरी से शुरू है और प्लेवे और एलकेजी यूकेजी चार क्लास मेरे यहाँ चलेगी। एडमिशन शुरू हो गया, एडमिशन बच्चे आ भी रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं देख करके।